विंबलडन और विंबलडन विलेज और विंबलडन कोर्ट और विंबलडन पार्क और फिर विंबलडन की वो स्ट्रीट, वो हमने देख लिया पहले हिस्से में। अब हम दूसरे हिस्से के अंदर नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं टूटिंग की तरफ। और ये देखें अभी भी एक अच्छे से इलाके से जब बंदा निकलता है, ये भी विंबलडन का इलाका जो है वो अतराफ पे नज़र आ रहा है। अच्छा सेंट्रल कोर्ट, अच्छा सेंट्रल कोर्ट के इलाके में भी हम मेरा साथ दाखिल हो रहे हैं। यूके में आपने एक चीज़ जो देखी होगी कि सबसे जो इनकी मशहूर तरीन चीज़ है ये डबल डेकर बस जो है ना, हर सड़क पे आप चलते हुए आप इसको ज़रूर देखते हैं, रेड कलर और डबल स्टोरी। ये अभी जी का सामने कौन सा स्टेशन आ जाने, विंबलडन स्टेशन अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने आएगा, तो उससे पहले हमने लेफ्ट मुड़ जाना है। बाकी ये अच्छा नहीं, ये देखें ये भी मशहूर और मारूफ स्टोर। कल मैंने आपको दो पार्ट्स में वो वेस्टर्न किले जी ये देखें, अभी हम सामने आपके वो आ गया है प्रिंस ऑफ वेल्स लिखा हुआ है। और ये जी विंबलडन का स्टेशन, क्या ज़बरदस्त किस्म का, साफ सुथरा और छोटा था। और सामने फिर ये प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जाए जी कि क्या है कि वैसे इनका नाम विंबलडन है। अच्छा विंबलडन का नहीं, ये ऊपर शॉपिंग एरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, विंबलडन की जो हाई स्ट्रीट जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ दुकानें हैं और सेंट्रल कोर्ट शॉपिंग सेंटर। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त, मेरा ख्याल जब विंबलडन मैचेस होते हैं फिर यहाँ बहुत खलकत, उन दिनों में ना विंबलडन क्वार्टर और ये टेस्को, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुकानें हैं और सफाई भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। लोग शाम के वक्त बाहर बैठे रेस्टोरेंटों में इंजॉय कर रहे हैं। और वो सामने आ गया जी विंबलडन थिएटर, विंबलडन थिएटर। अच्छा ये सारा इलाका भी आप विंबलडन में से ही गुजर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लें जी इन मनाजर के साथ चलते चलते हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में टूटिंग में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ दोस्त जो हैं वो मेरा ख्याल पहुँच चुके हैं, बाकी के वहाँ भी हमारी थोड़ी गपशप चलेगी, कोई आपस में क्या कहते हैं पुरानी यादें ताज़ा होगी। इस इलाके में जी अपना पाकिस्तानी जो अपना हमारे मशहूर व मरूफ करदार हैं जिन्होंने माल बाहर रखा है, इस इलाके में भी हैं कोई फ्लैट फ्लूट उनके विंबलडन में भी, कि वो सारा वही बस फ्लैट दूस रही हैं नहीं, इधर मशहूर होता है ना जी ये इस इलाके में फलां फलां के फलां इलाके में फलां ने खरीदे हुए हैं, तो उस रिहा से सेंट्रल लंडन में जी। अब हम अंदर की गलियों में से वो दाखिल हो गए हैं, बाकी चल के फिर आपको साथ शामिल करते हैं वहाँ टूटिंग में। क्वींस रोड, ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं सारा हर तरफ ये विंबलडन का ही है। ये अब शुम एकेडी सड़क से ये मतलब नंबर आया थे लेकिन मेरा ये नज़र आई थी लेकिन पढ़े नहीं गया। विंबलडन का इलाका तकरीबन सारा ही जो है जिसके घर हैं और बाकी जो स्ट्रीट, तकरीबन बाकी इलाकों की नस्बत ज़्यादा नए घर, नए भी नहीं कह सकते लेकिन उसको वेल फर्निश्ड किया हुआ, उनकी हालत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ले जी सूरज ढलते हुए आहिस्ता आहिस्ता, और आपके सामने ये आ गए गैप रोड। अभी हमारे दोस्त हैं शफीक साहब, ये बता रहे हैं कि SW19 जो ये पोस्टल कोड है ना जी, ये दुनिया का मशहूर तरीन पोस्टल कोड है। वजह उसकी ये है कि ये विंबलडन का इलाके का पोस्ट कोड है, और आपको पता ही है ब्रिटिश इन्होंने पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ हुकूमत नहीं की हुई, और जब हुकूमत की तो ये पुराने इलाके लाजमी बात है फिर ये खुद ब खुद दुनिया में मशहूर। अब क्वीन के अभी तक जो है नोट्स कनाडा में चलते हैं तस्वीर के साथ ऑस्ट्रेलिया, तो इसी तरह इनके जो बाद इलाके हैं ये मशहूर हैं पूरी दुनिया में। ये देखें साथ लोगों की जो आखिरी आरामगाह भी बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। ये देखें जी जब सूरज की किरणें पड़ती हैं ना शाम को, तो वो जो घर थोड़े आम नज़र आ वो भी ज़बरदस्त खूबसूरत नुक्कड़ के ऊपर क्या ज़बरदस्त किस्म के फ्लैट बनाए हुए हैं। अच्छा जी ये देखें यहाँ पे पहले कुत्तों की रेस हुआ करती थी, ये भी बड़ा मशहूर था, अब इन्होंने इसको गिरा के यहाँ पे फुटबॉल क्लब बना दिया। और ये नए फ्लैट
बड़े महंगे और बड़े, पहले यहाँ वो सारा कुत्तों की रेस वाला मुकाम था या ग्राउंड थी, तो अब ये इन्होंने लक्सरी फ्लैट बना के, अब ये मेरा ख्याल श्री साहब एक एक फ्लैट ही जरा मेरा ख्याल वो मिलियन से चक्कर जो होना माशाल्लाह जी। ये भी एक नई देखो वांड्सवर्थ की शील्ड आपको नज़र आ रही है सामने लिखी, वो आगे से दूसरी काउंसिल शुरू हो जाती है जिसमें फजल मॉस्क वगैरह शामिल होते हैं वांड्सवर्थ में, इस जगह तक ये विंबलडन चल रहा है अभी जिस जगह भी हम खड़े हैं। मैं जी इस वक्त हम टूटिंग एरिया के अंदर हैं इस वक्त, और ये घर जो आप देख रहे हैं ये टूटिंग के इलाके में जो पीछे गलियां हैं बाज़ार के उस वो आप देख रहे हैं, और इस इलाके में बहुत सारे अपने घर हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, ऐसे घर हैं कि बस वो बाज़ार जो है ना वो इनकी साथ रौनक में रहता है हर वक्त जी। इस वक्त टूटिंग में से गुजरते हुए ये आप देखें कुदरती तौर पे जब आपके सामने मीनारे नज़र आते हैं, मेहराब नज़र आता है, तो एक दिल को खुशी पहुंचती है कि यहाँ गोरों के इलाके में किस तरह मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन साथ ये भी ख्याल आता है कि हमारे अपने मुसलमान देश में पाकिस्तान में किस तरह मस्जिदों की बेहरमती और मीनारे गिराना और मेहराब गिराना, बड़ा ही अजीब सा एक जो अध्ययन के अंदर ख्याल आता है कि कैसे कैसे एक मुसलमान मुल्क के अंदर इस तरह की जो हरकत हैं वो हो सकती हैं। नहीं जी अब हम वो सड़क पे पहुँच गए जो टूटिंग की वो हाई स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर हैं दुकानें सारी एशियन दोनों अतराफ पे, काफ़ी लंबी ये स्ट्रीट है आप देख सकते हैं दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। ये देखें ये दावत गालबन टेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट है ना, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये टेस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ था सर दावत, और ये टूटिंग आपने कई दफ़ा देखा भी होगा, और बाद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कभी ना देखा हो, चलते चलते आपको सिर्फ शाम के वक्त मंजर जो है ना वो दिखा रहे हैं दोनों तरफ का, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। दुकानें क्योंकि बंद हो चुकी हैं, रश कम हो चुका है, लेकिन ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा इधर जगह भी है पार्किंग के लिए, यहाँ यूके में पार्किंग मिल जाना भी बहुत बड़ी गनीमत है, तो टूटिंग में साथ ही सड़क के हमें मिल गई है पार्किंग। बाकी रह गया मशहूर दुकानें, अम्बाला सामने आपके है, ये मिठाई बहुत मशहूर है अम्बाला की, इसके अलावा जो हैं बाकी कुछ दुकानें आगे चल के भी आपको नज़र आएंगी मिठाई की बाकी चीज़ों की। चलते हैं अब रेस्टोरेंट की तरफ, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं जी। वतन रेस्टोरेंट के सामने हम पहुँच गए हैं और यही हमारा मीटिंग पॉइंट है, इसके सामने अब देखते हैं अंदर चलते हैं, हमारे शायद कुछ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं जी। वतन के अंदर आप देखें ये लाइव आपको मंजर दिखा रहे हैं, किस तरह धुएँ उठ रहे हैं, ग्रिल हो रही है, कबाब चल रहे हैं, नान बड़े बड़े बन रहे हैं, ये सारा सिस्टम इस साइड पे आप देखें कितना ज़्यादा रश है, बिल्कुल फुल बैठे हैं लोग।